हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बनाते हैं उपमा। ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बहुत ही जल्दी बनता है, इसीलिए तो हम तैयारी करते हैं। देखिए, मैंने एक चम्मच घी डाला है। तुम चाहते हो तो तेल भी डाल सकते हो और फैट भी डाल सकते हो। और इसको मैं थोड़े सा अच्छे से भून लूँगी, थोड़ी ज़्यादा भूनूँगी नहीं, बस थोड़ी हल्की सी ब्राई, मतलब ऐसे ब्राउन करनी है। इस तरीके से मेरी भुन के रेडी होगी सूजी। अब मैंने इसमें तेल डाला है फॉर्चून, आप चाहते हो तो घी डाल सकते हो, और थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा मैंने इसमें राई डाली है। इस तरीके से मेरा राई और जीरा ब्राउन हो गया। मैं इसमें प्याज डालूंगी। देखिए, मैंने प्याज डाला है। प्याज को अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको अच्छे से चलाऊंगी, और फिर इसको ब्राउन होने तक इंतज़ार करूँगी। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, दो चार हरी मिर्च काटी थी बारीक, उसको डालूंगी ताकि इससे थोड़ा चटपटा और थोड़ा अच्छा लगे खाने में। इस तरीके से अब मैं इसको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी, ऐसे इसको मिक्स कर करके। देखिए, ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। देखिएगा इस तरीके से मैं टमाटर ऐड करूँगी। ये देखिए, टमाटर मैंने एक टमाटर लिया था, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब उसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी इस तरीके से, और इसमें नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने डेढ़ ये हल्दी डाली है, थोड़ी सी आधी चम्मच, और ये डेढ़ चम्मच के करीब मैंने नमक डाला, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, और थोड़ा पानी डाल के पकाऊँगी इसे, ताकि ये अच्छे से पक जाए और अच्छे से कलर आ जाए सूजी में। देखिए, मैंने आधा गिलास पानी डाला है इसको, और अच्छे से इस तरीके से मैं पकाऊँगी। देखिए, ये पक के रेडी हो चुका है। देखिएगा इस तरीके से तेल अलग हो गया, पानी जल गया है। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर लूँगी। सूजी को अच्छे से मैं इसमें मिक्स करूँगी, इसमें पानी डालूँगी। पानी जब तक डालना है, मतलब इसमें अगर हमारा एक कप सूजी है तो हमें चार गुना पानी डालना है, चार कप पानी डालना है। तो देखिए, मैं इसमें ना तीन चार गिलास पानी डालूँगी, ताकि अच्छे से ये, मतलब ये छोटा फ्राई था ना, इसलिए थोड़ा इसमें ना धीरे धीरे पानी डालना पड़ता है। आप एक बार में डाल सकते हो। देखिए, खदक आ चुकी है, ये मेरा उपमा बन के रेडी हो चुका है। देखिए, इस तरीके से ऐसे खदक आती है और ऐसे बनता है। ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में डालूँगी, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए, आपके लिए। और झटपट बन के रेडी होता है, और भूख लग रही हो तो दो मिनट में नाश्ता बन के रेडी हो जाता है ये वाला, और बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरे अच्छा लग